हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं एंड हमारे चैप्टर का नाम है एयर। देखिए, अगर हम इसे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना, तो ये जो चैप्टर है वो हमारा जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला सेक्शन दिया है हमारे सिलेबस में, तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी में एक सेक्शन होता है क्लाइमेटोलॉजी का, जिसमें कि हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, एंड इस चैप्टर में उसी के बारे में डिस्कस किया है। तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले एटमॉस्फियर क्या होता है। तो हम देखिए, हमारे अर्थ के सराउंडिंग्स में एक एयर का ब्लैंकेट होता है एंड उसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फियर, ठीक है ना। अब इस एटमॉस्फियर से क्या मिलता है हमें? हमें इस एटमॉस्फियर से एयर मिलता है जो कि हमें सांस लेने में मदद करता है ना। बिना इसके क्या होगा? अगर एटमॉस्फियर नहीं होगा तो फर्स्ट थिंग हमें हवा नहीं मिलने वाला है जिससे कि हम सांस ले पाए। सेकेंड थिंग, जो सन है ना, उसकी रेस डायरेक्टली अर्थ पे पड़ेंगी एंड टेम्परेचर इतना हाई होगा कि इंसान जो है जल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फियर का, यानी कि एटमॉस्फियर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गैसेस का एटमॉस्फियर में, तो हमें नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारी गैसेस जो है देखने को मिलती हैं। ओके, और तो और हमें एटमॉस्फियर में डस्ट पार्टिकल्स भी देखने को मिलते हैं। बात करते हैं अगर हम लोग नाइट्रोजन का, तो आप देख सकते हो कि ये 78% एटमॉस्फियर में प्रेजेंट है, यानी कि हमारे एटमॉस्फियर में 78% जो है वो नाइट्रोजन है। सबसे ज़्यादा एबंडेंट क्वांटिटी में यही गैस है। ओके, अगर हम नाइट्रोजन का बात करते हैं, तो देखिए हम जो है इसको सिंपली इनहेल करते हैं एंड इसको एक्सहेल कर देते हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया, क्योंकि प्लांट इसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, तो जो बैक्टीरिया है वो इसको प्लांट को कंज्यूम करने के लायक बनाते हैं एंड देन प्लांट इसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में 21% है, यानी कि सेकेंड मोस्ट एबंडेंट क्वांटिटी में कोई गैस है तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको पता होगा कि एनिमल्स के लिए एंड ह्यूमंस के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ना। एंड ऑक्सीजन कैसे मिलता है? तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, जब वो खाना बनाते हैं तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है उनके द्वारा, एंड हम एज अ ह्यूमन एंड एनिमल जो है इसको लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक ग्रीन हाउस इफेक्ट को पैदा करता है। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपका अर्थ है एंड ये है आपका सन, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से प्रेजेंट है। अब सन जो है क्या किया? अपनी एनर्जी को अर्थ पे रेडिएट किया, अर्थ ने वापस से इसको रिफ्लेक्ट किया। अब जब अर्थ ने इसको रिफ्लेक्ट किया है सन की एनर्जी को, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड ने इसको ट्रैप कर लिया है। अब जब इसको उसने ट्रैप किया है, कार्बन डाइऑक्साइड ने हीट को ट्रैप किया है, तो क्या होगा कि अर्थ जो है थोड़ा सा वार्म होगा, राइट। तो क्या होता है कि जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा तो और ज़्यादा हीट ट्रैप होगा, तो अर्थ का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट। तो उसकी वजह से फाइनली क्या होने वाला है? जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो स्नो है वो क्या होगा? वो मेल्ट होने लगेगा एंड फाइनली स्नो का पानी ओशंस में जाता है, तो क्या होगा? ओशियन का लेवल जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो फिर उससे क्या होगा कि जो आइलैंड्स हैं, यानी कि लाइक कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, मालदीव्स एंड जो कोस्टल एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल मुंबई हो गया, तो ये सारे प्लेसेस क्या होंगे? ये सारे डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि ओशन का लेवल तो बढ़ जाएगा ना। तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है टेम्परेचर को जो बढ़ा देता है उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर का। ये जो टॉपिक है ये हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ हमें अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी क्लास 6th में आपको इनके नाम से जो है इंट्रोड्यूस कराया था, आपको इनका नाम एटलीस्ट तो याद ही होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फर्स्ट लेयर का, जो कि 13 किलोमीटर तक है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर, ठीक है ना। ट्रोपोस्फीयर में जो है, जो सारे एयर होते हैं ना ट्रोपोस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब हमें जो एयर हमें ब्रीथ करने के लिए चाहिए वो ट्रोपोस्फीयर में प्रेजेंट है। एंड सेकेंड थिंग,
ऑल द वेदर फिनोमिनाज लाइक रेनफॉल हो गया, फॉग हो गया, स्नोफॉल, ये सारी चीज़ें जो हैं इसी लेयर में प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, ट्रोपोस्फीयर में। सेकेंड थिंग बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर का, तो स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड हुआ है, यानी कि इसकी हाइट कितनी है 50 किलोमीटर। देखिए स्ट्रेटोस्फीयर में ना हमें क्लाउड एंड उससे एसोसिएटेड इश्यूज यानी कि रेनफॉल ये सारी चीज़ें देखने को हमें नहीं मिलती हैं, तो इसकी वजह से एरोप्लेन को फ्लाई करने के लिए ये एरिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन जाता है। सेकेंड थिंग अगर स्ट्रेटोस्फीयर की क्वालिटी की बात करते हैं तो ओजोन गैस जो है ना जो कि हमें अल्ट्रा वायलेट रेज सन के जो यूवी रेज हैं उससे प्रोटेक्ट करता है वो भी इसी लेयर में देखने को हमें मिलता है। तो ये दो चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। थर्ड थिंग बात करते हैं थर्ड लेयर का, तो वो कौन सा है, वो है मेसोस्फीयर। वो कहाँ तक है, वो है आपका 80 किलोमीटर तक, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसके एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि जो आपके मेटेराइट्स होते हैं ना वो इस लेयर में आकर के क्या हो जाते हैं, वो जल जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं, नेक्स्ट लेयर कौन सा है, वो है हमारा थर्मोस्फीयर, ठीक है ना। तो थर्मोस्फीयर में ही हमें आयनोस्फीयर भी देखने को मिलता है, यानी कि हमें आयंस देखने को मिलते हैं। एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जो हम रेडियो वेव को ट्रांसमिट करते हैं ना वो इस लेयर से वापस से रिफ्लेक्ट होकर के आता है, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ आपको ज़रूर याद होना चाहिए इस लेयर से रिलेटेड। एंड लास्ट है आपका एक्सोस्फीयर, मैंने आपको हाइट नहीं बताया, थर्मोस्फीयर का जो हाइट होता है वो 80 किलोमीटर थ्रू 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, ठीक है ना। बात करते हैं एक्सोस्फीयर का, तो ये सबसे ऊपर वाला लेयर है एंड इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा थिन एयर देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो वो और सारे गैसेस यहाँ पे देखने को आपको मिलती हैं। नेक्स्ट थिंग, आपको ये दोनों ये सारी चीज़ें भी पता होना चाहिए। देखिए ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर को जो सेपरेट करता है वो है ट्रोपोपॉज। सिमिलरली स्ट्रेटोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर को जो सेपरेट करता है वो उसे बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज, एंड मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर को जो सेपरेट करता है उसे हम लोग बोलते हैं मेसोपॉज। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप इसे ग्राफ की तरह देखते हो तो इस साइड में क्या है, इस साइड में है आपका हाइट, इस साइड में है आपका टेम्परेचर। तो देखो आप ट्रोपोस्फीयर में जैसे जैसे हम हाइट यानी कि जब हम ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, राइट। अगेन जब हम स्ट्रेटोस्फीयर में जा रहे हैं जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा है क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। एंड अगेन आप देख सकते हो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है हाइट के साथ, एंड अगेन जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है, अगेन इंक्रीज हो रहा है, अगेन डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, एंड अगेन इंक्रीज हो रहा है। दो क्लास 11th के ज्योग्राफी में क्यों ये टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने सोचा कि बस आपको बता दो कि टेम्परेचर भी हाइट के साथ इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है इन लेयर्स में, ओके। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट का। तो देखिए वेदर क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है जो डे टू डे कंडीशन है ना, या फिर आवर टू आवर यानी कि एक घंटे से दूसरे घंटे में टेम्परेचर चेंज होता रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेदर। लेकिन जब इसी वेदर को हम लोग एवरेज लेते हैं यानी कि कम से कम 10 साल का हम लोग वेदर ले रहे हैं तो फिर क्या होगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक्स हैं। अब हम बात करते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। देखिए टेम्परेचर का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिग्री ऑफ हॉटनेस होता है, मतलब वो चीज़ कितना हॉट है या फिर कितना कोल्ड है, उसी को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर, ठीक है ना। ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, देखिए मान लीजिए ये है आपका प्लेस ए, ये है आपका प्लेस बी, ठीक है ना, ये अर्थ पे सिचुएटेड है। अब यहाँ का टेम्परेचर एंड यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंट होगा, एंड उसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी हो सकता है, वो है क्या, इंसोलेशन, ठीक है ना। इस इंसोलेशन की वजह से यहाँ का टेम्परेचर एंड यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंट होगा। इंसोलेशन क्या होता है, इंसोलेशन का मतलब होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी कि जो सन का रेडिएशन है, जो सन की एनर्जी आ रही है ना, वो इस प्लेस पे अलग होगी तो यहाँ का टेम्परेचर अलग होगा, एंड इस प्लेस पे सन का रेडिएशन अलग होगा
तो यहाँ का टेम्परेचर अलग होगा, ठीक है ना। तो आपको मैंने क्लास सिक्स में बताया था कि सन जो है, मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ये इक्वेटर है, एंड इस साइड में सन जो है यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक क्या होता है, यहाँ पे सन की रेज मोर और लेस जो है डायरेक्ट पड़ती हैं कभी ना कभी, तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे इंसुलेशन सन का क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वेरी करेगा, ठीक है ना। तो इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ जाते हैं तो इंसुलेशन डिक्रीज करता है, एंड हिन्स क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो भी डिक्रीज करेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ज़रूर पता होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग कि जो सिटी में टेम्परेचर होता है ना वो हाई होता है एज इन कंपेरिजन टू जो विलेज में टेम्परेचर होता है। क्यों? क्योंकि देखिए सिटी में बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, राइट, एंड अगेन कॉन्क्रीट वाले रोड्स होते हैं, तो क्या होता है ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ट्रैप करते हैं, एंड रात को उसी हीट को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से सिटी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है एंड विलेज का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है। अब ये जो टॉपिक है एयर प्रेशर का, वो हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आप अच्छी तरीके से सुनना। अगर हम बात करते हैं एयर प्रेशर का ना, सबसे पहले आप ये जान लो कि एयर प्रेशर का मतलब होता है कि जो एयर है ना वो प्रेस करता है अर्थ को, उसी को हम लोग बोलते हैं एयर प्रेशर, ठीक है ना। तो द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सर्फेस इज नोन एज एयर प्रेशर। अब ऐसा नहीं है कि एयर प्रेशर अर्थ पे ही लग रहा है, एयर प्रेशर हम पे भी लगता है, हम पे भी जो है एयर इस तरीके से प्रेस करता रहता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो काउंटर इसे करती रहती है, काउंटर करती है एयर प्रेशर को, ठीक है ना। तो इसलिए पूरा इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, जीरो, एंड इसलिए हमें पता नहीं चलता है। अब आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना कि मून पे क्या होता है, चांद पे कोई भी एयर नहीं है। जब एयर नहीं है तो क्या है, एयर, जब एयर ही नहीं है तो एयर प्रेशर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एयर नहीं है तो एयर कैसे प्रेस कर सकता है किसी चीज़ को, राइट। तो अब बात करते हैं जब एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे जाते हैं तो वो स्पेशल सूट पहनते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अब जब वहाँ पे एयर नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी तो काउंटर करती रहती है ना हमेशा एयर को, एयर प्रेशर को ना, तो फिर क्या होगा, अब वहाँ पे एयर नहीं है एंड ये हमारी बॉडी इसको काउंटर ऑलरेडी कर रही है, तो क्या होगा, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो बर्स्ट कर जाएंगे एंड खून निकलने लगेगा हमारे एस्ट्रोनॉट्स को। तो इसलिए क्या होता है, ये एस्ट्रोनॉट एक स्पेशल सूट पहनते हैं जिसमें कि क्या होता है, अगर ये आपका एस्ट्रोनॉट है एंड ये उसका सूट है तो इसमें पूरा हवा भरेगा, जिसकी वजह से हवा रहेगा तो क्या होगा, वो हवा हमारे बॉडी को यानी कि एयर प्रेशर होता रहेगा, एयर प्रेस करता रहेगा, एंड जो हमारा बॉडी है वो भी इसको काउंटर करता रहेगा एंड सब कुछ जो है नॉर्मल रहेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि जैसे हम इस तरीके से एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं ना, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, इस तरीके से, राइट। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता रहता है, ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है कि हम ऊपर जाएंगे तो एयर प्रेशर डिक्रीज करेगा, एंड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एयर प्रेशर कहाँ पे होता है, तो वो सी लेवल पे होता है, ठीक है ना। एंड उसके बाद फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एयर प्रेशर डिक्रीज करता रहेगा। अब हम बात करते हैं, तो ये तो हमने बात की कि वर्टिकल एयर प्रेशर, मतलब कि वर्टिकली किस तरीके से हो रहा है। अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टली, तो देखिए एयर प्रेशर जो होता है ना वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, किसके, टेम्परेचर ऑफ द एयर के। ओके, ये चीज़ आपको याद रखना है कि वर्टिकली तो क्या हो रहा है, जैसे वर्टिकली जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं एयर प्रेशर कम हो रहा है, लेकिन जब हम हॉरिजॉन्टली बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लेस ए है एंड यहाँ पे प्लेस बी है, तो इन दोनों का एयर प्रेशर वो किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों प्लेस के एयर का जो टेम्परेचर है ना उस पे। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो एरिया जहाँ, मान लीजिए ये प्लेस ए है, ओके, एंड यहाँ पे प्लेस बी है। देखिए यहाँ पे जो प्लेस ए है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा मान लीजिए सनलाइट पड़ रहा है, यहाँ पे क्या है, एयर जो है गर्म हो जाएगा, हवा गर्म होगा, तो वो क्या करेगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा। जब हवा ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, लेस एयर प्रेशर ऑन प्लेस ए। सिमिलरली जो कोल्ड एयर होता है, अब मान लीजिए यहाँ पे कोल्ड है, थोड़ा सा ठंडा वाला एरिया है, तो यहाँ पे कोल्ड एयर होगा ना, तो वो सिंक करेगा, मतलब नीचे की तरफ आएगा, तो प्लेस बी पे जो है एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एयर प्रेशर जब जहाँ पे वार्म एरिया होता है तो एयर ऊपर जाता है, तो इसकी वजह से कम एयर प्रेशर होगा, अगर ठंडा एरिया है, कोल्ड एरिया है, तो एयर सिंक करेगा एंड फाइनली एयर प्रेशर ज़्यादा होगा। देखिए
जहां पे लो प्रेशर होता है यानी कि वार्म एरिया में, वहां पे क्या होगा, क्लाउडी स्काई होगा एंड थोड़ा सा वेट वेदर होगा। वहीं से अगर हम बात करते हैं हाई प्रेशर एरिया में, तो वहां पे क्लियर एंड सनी स्काई होगा। ओके, अगर बात करते हैं एयर का, तो मैंने आपको एयर सर्कुलेशन में ही बताया था कि यहाँ से जब एयर ऊपर जाएगा तो ये जो कोल्ड एयर है गैप फिल करने के लिए प्लेस ए पे जाएगा, ठीक है ना। तो एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। ओके, अब हम बात करते हैं विंड का, तो विंड सिमिलरली यही है, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। ओके, अब देखिए विंड का हम लोग नाम रखते हैं कैसे, विंड का नाम रखा जाता है वो कौन से डायरेक्शन से ब्लो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो वेस्ट, ये आपका वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है ना। अगर ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है तो इसको हम लोग बोलेंगे वेस्टर्ली। एंड अगर मान लीजिए ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ ब्लो कर रहा है तो इस क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ईस्टर्लीज। ओके, आगे बढ़ते इस इन ये लाइक वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज के बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे वाले बुक्स में। ओके, अगर हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ विंड का, विंड क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एयर कहाँ से, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। ओके, अगर हम बात करते हैं विंड को, जब हम डिवाइड करते हैं तो हम उन्हें थ्री टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है आपका परमानेंट विंड। तो परमानेंट विंड क्या होता है, ऐसा विंड जो कि पूरे साल ब्लो करता रहे उसे हम लोग परमानेंट विंड बोलते हैं। वो कौन से होते हैं, ये देखिए, ये ईस्टर्लीज हैं, ये वेस्टर्लीज हैं, तो ये पूरे साल इसी तरीके से इसी डायरेक्शन में ब्लो करते हैं, तो इनको हम लोग परमानेंट विंड बोलते हैं, ठीक है ना। आप ये थोड़ा सा देख लेना कि पोलर ईस्टर्लीज कैसे हैं एंड प्रिवेलिंग, मतलब कि सब प्रेशर लो, सब पोलर लो प्रेशर कहाँ पे है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर कहाँ पे है, आप बस इसको अभी देख लो अच्छी तरीके से। क्लास 11th में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, बात करते हैं सीजनल विंड क्या होता है। तो देखिए ऐसे विंड जो कि अपने डायरेक्शन को ना चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन, उसे हम लोग सीजनल विंड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये है हमारा इंडिया, ठीक है ना। मानसून वाले सीजन में क्या होता है, विंड इस तरीके से ब्लो करती है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट मानसून विंड। एंड अगेन कोल्ड सीजन में यानी जब ठंडी आती है तो विंड कैसे ब्लो करती है आपको पता है, इस तरीके से, ऐसा, सॉरी, ऐसे यहाँ पे इस तरीके से, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न विंड, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि सीजन के हिसाब से विंड अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सीजनल विंड्स। थर्ड होता है लोकल विंड, जो कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे ब्लो करती है। फॉर एग्जाम्पल लू, जो कि आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा, जो कि गर्मी के टाइम पे यानी कि हॉट सीजन के टाइम पे जो है ब्लो करती है दोपहर के टाइम पे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का, एंड वो है मॉइस्चर। देखिए आपको पता होगा वाटर जो है लैंड से, मतलब ये ज़मीन है, जब यहाँ पे वाटर है वो क्या करता है, वो इवापोरेट करता है एंड फाइनली वो क्या बन जाता है, वो वाटर वेपर बन जाता है। मॉइस्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो मॉइस्चर जो, मॉइस्चर का मतलब क्या हो गया, नमी। नमी यानी कि वाटर कितना, सॉरी, एयर जो है वो कितना पानी होल्ड कर रहा है, ठीक है ना। तो मॉइस्चर इन द एयर, किसी भी टाइम पे कितना मॉइस्चर एयर में है, ठीक है ना, कितना वाटर वेपर वो एयर होल्ड कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एक समय पे एयर कितना मॉइस्चर को, कितना वाटर ड्रॉप, वाटर को होल्ड कर रहा है, ठीक है ना। और जैसे जैसे देखिए ऐसा होता है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है ना, जितना ज़्यादा एयर हॉट होगा उतना ही ज़्यादा उसका मॉइस्चर को ट्रैप करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल 10 डिग्री पे एक एयर जो है वो अप्रॉक्स 100 यूनिट्स को, आप सपोज करो बस कि 100 वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन जब ये 20 डिग्री होगा तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 200, ठीक है ना। तो एयर जैसे जैसे वार्म होता जाएगा इसका जो मॉइस्चर को कंटेन करने की कैपेसिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि देखिए जब वाटर वेपर इस तरीके से ऊपर राइज होगा ना, मतलब एयर जो कि मॉइस्चर को कंटेन किया है जब वो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, वो कूल होगा, ठंडा होगा एंड फाइनली ये कंडेंस हो जाएगा किस में, क्लाउड में। ये क्लाउड क्या है, ये एक वाटर ड्रॉपलेट है जो फाइनली जब इनका जो वेट होता है जब बढ़ जाता है ना, ये प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में वापस से रेन के फॉर्म में नीचे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो
तो उसके बाद फिर इम्पॉर्टेंट थिंग कि देखिए जो जेट प्लेन्स होती हैं, हम कई बार आसमान में देखते हैं, जब प्लेन जाता है तो क्या होता है, एक वाइट कलर का इस तरीके से लाइन बना के जाता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो जेट प्लेन्स होते हैं, इसका जो एग्जॉस्ट होता है बहुत ज़्यादा हॉट होता है, राइट। एंड जब ये बाहर निकलता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर तो उतना ज़्यादा हॉट है नहीं, तो फाइनली ये जो हॉट एग्जॉस्ट है ना, ये तुरंत कंडेंस हो जाते हैं एंड वाइट कलर के इस तरीके से ट्रेल जो है बनाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते, मैंने आपको बता दिया है कि देखिए वाटर ड्रॉपलेट्स जब बहुत हैवी हो जाते हैं तो ये इस तरीके से प्रेसिपिटेशन होता है एंड रेनफॉल के रूप में ये सारे नीचे आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं रेनफॉल के मैकेनिज्म का, तो रेनफॉल को हम थ्री टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन सा है? हमारे इस बुक में बस डायग्राम दिया है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अगर हम बात करते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल का ना, तो इस केस में क्या होता है, दो पूरे एकदम अपोजिट क्वालिटी एयर का जो होगा, मतलब एक अगर एक एयर पूरी तरीके से वार्म है तो दूसरा एयर पूरी तरीके से कोल्ड है। एंड जब ये, और ये क्या है, देखिए वो लेयर जो कि वार्म एंड कोल्ड एयर को सेपरेट कर रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं फ्रंट, ठीक है ना। तो क्या होता है, जब ये मिलेंगे ये दोनों एयर, तो वार्म एयर जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा एंड फाइनली क्या होगा, ये एक्सपेंड होगा, क्लाउड में कन्वर्ट होगा एंड अगेन रेनफॉल होगी। इसी को साइक्लोनिक रेनफॉल बोलते हैं, जब दो एयर अपोजिट क्वालिटी के इस तरीके से मिलते हैं, वार्म एयर राइज करेगा, एक्सपेंड करेगा एंड रेनफॉल होगी। सेकेंड क्या है, रिलीफ या फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि मॉइस्चर क्या होता है ना, अब देखिए कोई भी एयर है जो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को कंटेन किया हुआ है, अब ये एयर इस तरीके से ब्लो कर रहा था, अब यहाँ पे आया आपका पहाड़, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा। अब एयर जब ऊपर जाएगा, ऑलरेडी इसने मॉइस्चर को होल्ड किया हुआ है, तो क्या होगा, ये ऊपर जा रहा है तो अगेन एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होगा ना, तो इसका टेम्परेचर डाउन होगा इस एयर का एंड ये कंडेंस होगा, क्लाउड में कन्वर्ट होगा एंड रेनफॉल होगी, ठीक है ना। थर्ड थिंग, थर्ड टाइप ऑफ रेनफॉल कौन सा है, कन्वेक्शनल रेनफॉल। इस केस में क्या होता है, नॉर्मली जो वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ जाएंगे इस एंड एक्सपेंड करेंगे, जिसकी वजह से टेम्परेचर डाउन होगा, अब ये क्लाउड में कन्वर्ट होगा एंड फाइनली रेनफॉल होगा, ठीक है ना। तो ये तीन टाइप ऑफ रेनफॉल इसमें डिस्कस किए गए हैं। अगर हम बात करते हैं यूपीएससी के क्वेश्चन का, मैंने ऑलरेडी इसको एक बार आपको दिखाया हुआ है। देखिए 2012 में पूछा गया था कि टेम्परेचर जो है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर जो है डिक्रीज करता है, क्यों? पहला ऑप्शन क्या है कि एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी कि ये बोल रहा है कि एटमॉस्फेयर जो है वो बस अर्थ सरफेस से हीट होता है, तो हाँ ये पॉइंट सही है, सन डायरेक्टली इसको हीट नहीं कर पाता है, अर्थ जो है, अर्थ से जो एनर्जी रेडिएट होती है ना, ये एटमॉस्फेयर को हीटअप करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ग्रीन हाउस गैस वाला केस। सेकेंड थिंग, देयर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर, तो आप जानते हो कि ऐसा केस नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए मॉइस्चर नीचे ज़्यादा होता है, जब ये ऊपर जाता है तो एक्सपेंड करके क्लाउड में कन्वर्ट होके रेनफॉल होता है। थर्ड थिंग, द एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर, तो ये सही है, क्यों? मैंने आपको बताया ही, ये ऑलरेडी क्लास सिक्स में ही हमने डिस्कस किया है कि डेंसिटी ऑफ द एयर डिक्रीजेस नीचे से ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं ना, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, सी 1 एंड 3, ठीक है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक यू सो मच।